मुखिया व पंचायत सेवक ने धुरकी में जरूरतमंद और योग्य व्यक्तियों के पेंशन और आवास के लिए किया सूचीबद्ध। धुरकी प्रखंड मुख्यालय स्थित सदर पंचायत की मुखिया प्रभा देवी व पंचायत सेवक छवि सिंह ने सदर पंचायत के शिवरी शक्ति और धुरकी गांव के योग्य जरूरतमंद व्यक्तियों के पेंशन के लिए 43 और आवास के लिए 70 योग्य व्यक्तियों का नाम बुधवार को सूचीबद्ध किया है। इसकी जानकारी देते हुए मुखिया प्रभा देवी व पंचायत सेवक छवि सिंह ने बताया कि धुरकी पंचायत सचिवालय में जरूरतमंद ग्रामीण जिनका आवास मिट्टी का व काफ़ी जर्जर हो चुका है, तो वैसे गरीब और योग्य व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सूचीबद्ध कराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन से वंचित 43 वृद्ध महिला और पुरुषों का नाम सूचीबद्ध किया गया है। वहीं इसके अलावा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और पेयजल के लिए चापानल और मनरेगा में नए नए मजदूरों का नाम जॉब कार्ड के लिए बनाया गया है। मुखिया ने बताया कि उनका प्रयास यही रहता है कि पंचायत के सभी जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिया जाएगा। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि रामजीवन यादव, भाजपा नेता संतोष जायसवाल, स्वच्छ भारत मिशन के महताब अंसारी, वार्ड सदस्य नामुल हक अंसारी, जय प्रकाश यादव, पंचायत स्वयंसेवक वीरेंद्र यादव, शहादत अंसारी, पूर्व मुखिया महबूब अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सरकार सबके द्वार अंतर्गत शिविर लगा है। हाँ हाँ, उसमें जिसको पेंशन थोड़ी देर हो जाए उसको फॉर्म ले रहे हैं। हाँ, मुखिया सचिव मिलके। हाँ हाँ हाँ, जितने भी योजना लाभदायक है वो दे रहे हैं। आप लोग मैंने जितने भी ग्रामीणों का आवेदन आ रहा है, आप और मुखिया दोनों बैठ के उसका निष्पादन कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? छवि सिंह, पंचायत सचिव। अच्छा,